हेलो गाइस, वेलकम टू चानूस चैनल एंड वेलकम टू चानूस न्यू ब्लॉग। तो हम पहुंच गए थे 4 बजे ही शाम को यहाँ पे, और रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही एक धर्मशाला है, गुजरात भवन, वहाँ पे हमने स्टे ले लिया है। रूम टूर आपको करवाएंगे बाद में। और फ्रेश हो गए हम, नहा लिया मैंने और चानू ने, दोनों ने, और अब हम जा रहे हैं गंगा घाट आरती के लिए। थोड़े से आरती होती है या नहीं, आई थिंक तो आरती स्टार्ट हो गई है। हाँ, हम लेट हो गए हैं इसलिए आरती स्टार्ट हो गई होगी, और भी काफी सारे काम है। देखते हैं, बाहर निकलते हैं और बहुत कुछ पूछताछ भी करनी है हमें। यस, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो फाइनली हम हरिद्वार पहुंच गए और सच्ची में बहुत ही मजा आ रहा है, और यहाँ पे ठंड है, और पता नहीं हमारे रूम में तो बिना एसी की कितनी ठंड हो रही है ना। मुझे लग रहा है कूलिंग कूलिंग लग रहा है। हाँ, बहुत कूलिंग है और अच्छा खासा माहौल है, और रश भरा माहौल है, ट्रैफिक भी बहुत है, और खास कर हमारे गुजराती लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ज्यादातर गुजराती ही है। हाँ, चलो तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि और भी बहुत सारे काम है। अभी हमारा मेन डेस्टिनेशन जो हमारा ड्रीम है वो है केदारनाथ, तो उसके लिए कुछ इंक्वायरी भी करनी है और कुछ डन भी करना है, तो अभी हम निकल रहे हैं बाहर। देखते हैं अगर आरती स्टार्ट हो गई है तो ठीक है, नहीं तो कुछ सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, पर आप व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो हम आ गए रूम से बाहर, और यहाँ पे बाहर निकलते ही चाय का स्टॉल है, तो चानू चाय पी रहे हैं। अच्छी है चाय, अदरक है आदू में, मिल अदरक उसको अगर चाय में मिल जाए तो और कुछ मांगती नहीं है। रूम से निकलते ही काफी कुछ है और बाजार है और बहुत बढ़िया है। ये पूरा मार्केट है यहाँ का, ये सब रूम से बाहर निकलते ही सब मिल जाता है। देखो, गरम कपड़े, खाना, नॉर्मल कपड़े, सब कुछ। आगे चलते हैं, बस ये टूर ऐसे ही जारी रहेगा हमारा, साथ बने रहिएगा आप भी। हम घूम रहे हैं हरिद्वार की गलियों में, और गाड़ी लेके वैसे तो नहीं आए, लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे हम इंक्वायरी के लिए आए थे, पर एक बाइक हमें अभी के लिए मिली है, बाद में देखते हैं आगे कैसे घूमना होता है। तो ये चानू अपनी वन ऑफ फेवरेट बाइक में, बर्गमैन। लाइव चालू कर दे इंस्टाग्राम। तो ये देखिए, घूमो बाइक ऑन रेंट, और नंबर इसमें दिए हुए हैं, आप जो लोग भी हरिद्वार आओ तो यहाँ से बाइक रेंट पर ले सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल। हाँ, रीजनेबल रेंट पर, बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही कम रेंट पे आपको यहाँ पे ये बाइक मिलती है, और बहुत ही अच्छी बाइक है सारी की सारी। बर्गमैन तो सुपर्ब है, लेकिन हम थोड़ा कम बजट लेके आए हैं साथ में, इसलिए हमने बर्गमैन रेंट पे नहीं लिया, हमने जुपिटर ले लिया। लेकिन आप यहाँ पे आओ तो बहुत सारी बाइक्स है, और काफी चॉइसेस मिल जाएगी, अब चॉइस काफी बहुत सारी चॉइस मिल जाएगी। टू व्हीलर्स भी है, फोर व्हीलर्स भी है, और बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही कम अफोर्डेबल रेंट पे आपको यहाँ पे बाइक और कार दोनों ही मिल जाएंगे। हाँ, तो ये है हमारी गाड़ी, 24 आवर्स हमारी जुपिटर। हाँ, हम देंगे इसको कल 8 बजे, कल रात को 8 बजे हम वापस करेंगे। तो हमारी चानू रेडी है हरिद्वार में जुपिटर राइड के लिए। जी, हम आ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। क्या नाम है चानू? सूरत वाला। सूरत वाला, ये गुजराती थाली मिलती है यहाँ पे, हायर की ना, उसी की होटल है। अच्छा, जहाँ से हमने टू व्हीलर हायर की रेंट पे, उन्हीं की ये होटल है, और जहाँ पे हमने स्टे लिया है ना, गुजरात भवन, उसके एग्जिट सामने, वही गली में, रूम के एग्जिट सामने, नीचे उतरते सीधा बाहर आते ही ये आता है रेस्टोरेंट, और यहाँ पे गुजराती फूड अवेलेबल है, और सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मेन्यू अलग अलग होता है, और मैं
दिखाती हूँ आपको हमारी थाली और चंद से पे मिलवाती हूँ। तो ये है हमारी थाली, रोटी, तीन सब्जी, कढ़ी, लापसी, सैलड है, ककड़ी और कांदा, अचार, पापड़ और कढ़ी खिचड़ी है। ये चानू, हाय चानू, छास बड़ी मजा। टेस्ट करके बताना खाना कैसा है। बहुत मस्त है, दिखने में तो लग रहा है खाते हैं। चलो शुरू करो, टेस्ट करके बताओ कैसा है। ઓળો છે અને બટેટાની શાક છે અને ઢોકળીનું શાક છે। તો જી યે હે હમારી હોટલ જ્યાં અભી હમને સ્ટે કિયા હૈ। યે ગુજરાત ભવન કા હી હૈ ઓર નઈ બિલ્ડિંગ હૈ। सामने गाड़ी पार्क कर दी है और ये एंट्री गेट है, मेन बाजार है। बाकी मैं आपको एक्सप्लोर कल कर सुबह, हाँ क्योंकि अच्छे से दिखेगा। अभी रात हो गई है तो क्या है कि अच्छे से सूट नहीं होगा, बट ये है होटल। चलो अभी हम रूम टूर करते हैं। यहाँ से अंदर जाना है और हमारा रूम है तीसरी मंजिल पर, थर्ड फ्लोर पर। ये लिफ्ट है यहाँ पे, यहाँ से पीछे आना होता है। तो जी हम आ गए थर्ड फ्लोर पर और यहाँ पे शिवानी रूम खोल रही है। यहाँ पे लिफ्ट जिसमें मैं आई और ये है हमारा रूम 126। ये देखिए अभी मैं थोड़ा बिखरा पड़ा है सामने क्योंकि हम बाहर निकल गए आए फ्रेश होके। तो ये है डबल बेड, यहाँ पे बाथरूम, टीवी। सच्ची में बहुत ही बेस्ट सुविधाएं हैं सिर्फ 450 में। तो चाहिए सामने कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल और ये है बाथरूम, नीट एंड क्लीन, बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए और यहाँ पे बालकनी गैलरी है। ये देखिए ये हमारे टॉवेल थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि आते ही हम फ्रेश हुए ना, तो अभी बाकी मैं सुबह फिर से एक शूट कर लूँगी, बट अभी का कुछ ऐसा है। देखिए है ना बेस्ट यो। और ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं कहीं भी जाऊँ ना तो ये मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। या अच्छी सुविधाएं हैं, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। बाकी सब मैं डिटेल्स, चलो मैं फ्रेश होके बैठ के शांति से आपको बताती हूँ कि हम क्या बजट लेकर आए हैं। The next morning. तो जी गुड मॉर्निंग, अभी बजे सुबह के 4 और हम उठ गए हैं क्योंकि हमें जाना है गंगा आरती करने के लिए। गुड मॉर्निंग। तो जी हम जा रहे हैं अभी गंगा आरती के लिए जो 5 बजे होने वाली है स्टार्ट। तो हम उठ गए हैं, अभी बजे है 4। चलो हम फ्रेश हो जाते हैं फिर हम निकलते हैं गंगा आरती के लिए, देखते हैं वहाँ नहाएंगे या नहीं। अभी बहुत ठंड है यहाँ पे, कल तो कुछ नहीं था पर अभी खतरनाक वाली ठंडी है। तो देखते हैं हम नहाते या नहीं नहाते, चलो जो भी होता है आपको बताते हैं। हम निकलते हैं आरती के लिए, तब तक वीडियो में एंड तक बने रहिए। और हम आ गए हरिद्वार की गंगा मैया की आरती के लिए। अभी हमने जहाँ पे स्टे लिया है वहाँ से हमें राइट एंड पर सीधा ही जाना है, कहीं पे भी मुड़ना नहीं है और सीधा ये गंगा घाट आ जाएगा। और चलते हैं आरती के लिए। तो जी हम आ गए हर की बॉडी और हमने अंदर एंटर किया है, बाहर शूज उतारने हैं। और ये सभी अंदर के नज़ारे हैं। वैसे मैं काफ़ी साल के बाद आई हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और नया नया भी लग रहा है। ये है माँ गंगा का मंदिर। Thank you.
जी हम बैठ गए हैं अच्छे बच्चे बनकर, क्योंकि आरती की भी देरी है, आधा घंटा भी बाकी है। पाँच 55 को आरती स्टार्ट होगी, तो हम घाट में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। जो भी यात्री माँ गंगा जी की आरतियों के दर्शन करना चाहते हैं, आरती स्थान ब्रह्मकुंड पर जहाँ पर झंडा लगा हुआ वहाँ पर कृपया गली सामने लक्ष्मी नारायण का मंदिर है वो वाला, और ये हर की पौड़ी का घाट है और यहाँ पर आरती होगी। और ऐसे देखिए यहाँ पे बिछा के रखे यार सब भक्त जनों के लिए बैठने के लिए, सब लोग आएंगे अभी और आरती करेंगे तो यहाँ पे बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था की है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। 4 बजे उठ गई, वैसे तो मैं 3:30 बजे उठ गई क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा था बहुत, रात को सोई तब से हो रहा था, तो नींद अचानक से खुल गई। और अभी बहुत ही खतरनाक ठंड है यहाँ पर, अभी इतनी ठंड पड़ रही है तो अभी हमें केदारनाथ जाना तो बाकी है। कुछ करेंगे या अभी तो हुडी पहनी है, बट लगता है कि और भी 2-3 हुडी पहननी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। बट कोई नहीं, आए हैं तो देखा जाएगा जो भी होगा। माता सेवादार माता, कार्तिक स्नान है, हर की पैड़ी की सेवा हम ही रखे। चलना मत दो पंडित जी, उधर पानी और बहन मीठा पानी। Thank you.
हम गंगा आरती करके हम आए हैं गुजराती गुजरात भवन और अभी हम पी रहे हैं चाय और कॉफ़ी। बहुत ही कड़ाके वाली ठंडी है और अभी हम जो हमने रेंट पर गाड़ी ली है ना वो लेकर हम जाएंगे ऋषिकेश और वहाँ जितना घूमना होगा उतना घूमेंगे, फिर शाम को रिटर्न आ जाएंगे वापस रूम पर हरिद्वारी और देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि केदारनाथ के लिए निकलना है और सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट टैक्सी कर ले, शेयरिंग टैक्सी तो मिल नहीं रही है यहाँ पे, बट कोई नहीं अभी ट्राई करते हैं हम, देखते हैं क्या होता है। अभी तो शेयरिंग टैक्सी मिल रही है लेकिन उसमें हमारा शेड्यूल फिट नहीं हो रहा है, तो देखते हैं आगे क्या करते हैं क्या नहीं, आपको बता दे रहे हैं कि ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। हाँ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। ये गुजराती धर्मशाला का मेन गेट है, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाते ही लेफ्ट हैंड पे बुकिंग विंडो है। ये चनु यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, विंडो अभी तक खुला नहीं है, सुबह के 7 बज रहे हैं और ये है बुकिंग विंडो। यहाँ से हमने कल अपने रूम की बुकिंग करवाई और रूम लिया हमने और यहीं से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये देखो ऑफिस का समय लिखा हुआ है और चेकआउट का टाइम 24 आवर्स, 24 घंटे का चेकआउट टाइम है। और एक बात का खास ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है आप यहाँ पे रूम रखते हो तो आपको अपना रूम का लॉक खुद का लगाना होगा। यहीं पे धर्मशाला के कैंटीन भी है राइट एंड पे, जहाँ पे अभी हमने चाय पी, नाश्ता भी अवेलेबल है और 100 रुपये में थाली भी मिलती है वहाँ पे अगर दोपहर का खाना आप खाना चाहते हो। और यहीं पे सामने मंदिर भी है, मंदिर और थोड़ा सा पैसेज जैसा है, देख सकते हो आप दिवाली की डेकोरेशन की हुई है पूरी। और बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, तो हम आ गए अभी रूम पर, हम गए थे गंगा आरती करने और बहुत ही मजा आया और वहाँ से बहुत ही बेस्ट प्रसादी भी मिली और हमने भी थोड़ी पूजा की मैंने और शिवानी ने। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे आए। ओखा देहरादून वाली ट्रेन में हम आए और ट्रेन के नंबर है 19565, ठीक है, और रिजर्वेशन करवाया था और हम दोनों की टिकट का हुआ था 1300 रुपये के आसपास कुछ हुआ था। और वैसे लग नहीं रहा था कि हमने रिजर्वेशन करवाई है, काफी रस भरा माहौल था और ट्रैफिक तो बहुत ही था, बट कोई नहीं, बाद में गाजियाबाद दिल्ली कुछ ऐसे सिटी आए हैं वहां से थोड़ी भीड़ कम हो गई। फिर हम यहाँ पे पहुंचे 4:30 बजे हरिद्वार पहुंच गए और यहाँ पहुंचते ही हमें अच्छे से कहा ना कि सब कुछ अच्छा ही होता गया। फिर हम यहाँ आए और यहाँ आकर हम गुजरात भवन आए जो रेलवे स्टेशन की दूरी से सिर्फ कहो ना तो 1 किलोमीटर भी नहीं है, 10 मिनट अगर हम पैदल भी चल के आते, कोई ऑटो रिक्शा करने की जरूरत नहीं है। जो रेलवे स्टेशन के आगे एक सर्कल आता है वो सर्कल को बोलते हैं शिव मूर्ति चौक बोलते हैं, तो वहां से हमें राइट साइड चले जाना है, सामने ही गली है
और उसको गुजराती गली भी बोलते हैं। तो वहां पे गुजरात धर्मशाला है जहाँ हमें अच्छे से रूम मिल गया और बहुत ही अच्छी धर्मशाला है। वहां भी खाना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट सब कुछ अवेलेबल है, पर उसका क्या है कि उसका चार्ज अलग से है और रूम का भी अलग से है। तो हमें ये रूम पड़ा 450 में और हम दो लोगे में और शिवानी आए हैं और रूम बहुत ही अच्छा है। अभी मैं रूम में बैठ के ही शूट कर रही हूँ। वैसे धर्मशाला मेन जो है ना वो तो उसमें रूम खाली नहीं था, बट उन लोगों की दूसरी बिल्डिंग है, उन लोगों ने आई थिंक दो बिल्डिंग यहाँ पे बनाई है नई, तो उसमें से एक बिल्डिंग में हमें कमरा मिला है और बहुत ही बढ़िया है, अच्छी सुविधा है और नया है, नया अभी बना है, होटल नई बनी है तो अच्छा खासा रूम है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपको आगे के ब्लॉग में दिखाया ना, तो बस ऐसा कुछ था। और अभी हमें जाना है केदारनाथ के लिए, निकलना है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें टैक्सी में जाना है तो रेंट कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं टैक्सी वाले। तो अभी हमने डन नहीं किया है कि हम कैसे जाएं, बस में जाएं, टैक्सी में जाएं, जो भी होता है वो मैं आपको बताती हूँ। और हमारी होटल के बाजू में ही गुजराती खाना मिलता है जिसका नाम है सूरत वाला ऐसा, और जहां से हमने गाड़ी रेंट पर ली ना उसी की आई थिंक होटल है, घूमो गाड़ी रेंट पर ऐसा कुछ नाम है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और बहुत ही मजा आ रहा है, क्या ही बताऊ, मैं नीचे बार बार देख रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ नोट करके लिख रखा है बुक में, गलती ना हो बोलने में, क्योंकि ऐसे बोलो और फिर कुछ गलती हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी कोई आओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ आके। तो सच ही कहूँ ना तो गुजरात धर्मशाला बहुत ही बढ़िया है। पहले मुझे लग रहा था कि हम जाएंगे तो क्या होगा, हमें रूम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आए ना, वैसे तो मैं ट्रेन में बैठे ना तभी पता चल गया था कि बाप रे बहुत ही ट्रैफिक होगा, और सच्ची में ऐसा ही है। और खास बात कहूँ तो हमारे गुजराती लोग बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, सच्ची है, काफी अलग अलग सिटी से भी आए हैं पर हमारे गुजराती लोग ज्यादा है यहाँ पे, तो मजा आ रहा है। और हमारे गुजराती लोग यहाँ पे हो तो क्या ही बात, बहुत ही मजा आता है। तो बस हम ऐसे आए ओखा देहरादून, और हम वापस रिटर्न जाएंगे ना तो आई थिंक यही ट्रेन हमें लागू होगी, नहीं यही तो नहीं बट उसका नंबर है कुछ 19566, हाँ 65 और ऐसा कुछ, एक ही नंबर का सिर्फ डिफरेंट है, बट वो भी ऐसा ही है देहरादून टू ओखा। तो जमखम भले उतर जाना है अभी तो ऐसा लग मन हो रहा है कि यहाँ से जाए नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी जाना है केदारनाथ बद्रीनाथ। और अभी बस निकलेंगे हम, शिवानी फ्रेश हो रही है और थोड़ा काम भी है, गाड़ी बुक करने का काम बाकी है अभी, तो फिर हम निकलेंगे ऋषिकेश के लिए, क्योंकि हमने जुपिटर टीवीएस जुपिटर रेंट पर ली है, पर डे का 500 रुपये चार्ज है उसका। तो मैंने काफी सारे ब्लॉग देखे तो वो सभी ब्लॉग में बताते हैं कि रेंट पर कार मिल जाती है, मिलती है बर शेयरिंग टैक्सी मिलती है, प्राइवेट टैक्सी मिलती है। तो क्या है कि शेयरिंग टैक्सी नहीं मिल रही है, अभी हम कल से आए हैं तो बस वही रिसर्च कर रहे हैं, हमें जहाँ भी हम गए ना तो ऐसा ही बोला कि शेयरिंग टैक्सी अवेलेबल नहीं है। तो ये बात आप भी नोट करके रखिए, याद रखिए कि काफी सारे ब्लॉग मैंने भी देखा, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है कि अगर शेयरिंग टैक्सी में जाना होता है तो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, बट हमें शेयरिंग टैक्सी नहीं मिल रही है तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्या करें। प्राइवेट टैक्सी में रेंट बोल रहे हैं 15,000 ऐसा, 20,000 बड़ा बड़ा के, जैसे जिन जिन लोगों को जैसा मन चाहे वैसे बोल रहे हैं, बट कोई नहीं, वो अपने हिसाब से सही होंगे। और हमने बात रखी कि हमें जाना है हरिद्वार से केदारनाथ, फिर हमें रिटर्न बद्रीनाथ दर्शन करके वापसी हरिद्वार आना है, तो ये सब मिलाकर और बीच में जो भी आता है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, धारी देवी, ये सब जो भी आता है वो बीच में वो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम, तो वो सब इसमें 15,000 में आ जाता है। तो वैसे देखा जाए तो ठीक है, बट हम फिर भी मार्जिन करवा रहे हैं, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ सोचेंगे। वैसे गवर्नमेंट बस भी जा रही है, वोल्वो बस भी यहाँ से जा रही है, पर हमें बस में जाने का मन नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है
कि सुबह 5 बजे बस निकलती है और शाम को रात को 8 या 8:30 बजे सोनप्रयाग पहुंचाती है। तो हमें इतने घंटे ट्रेवल नहीं करना है, फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो मन नहीं कर रहा है बस में जाने का, अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है तो लास्ट में गवर्नमेंट बस तो है ही, देखते हैं जो भी करेंगे न डिसाइड आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। बट आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा तो ही मजा आएगा, और ऐसे ही मैं फुल डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगी कि हम कहाँ गए, कैसे गए, क्या हमें रेंट पड़ा और क्या हमारे साथ हुआ, सब कुछ हम आपसे शेयर करेंगे। और कहीं गलती हो तो प्लीज उसे इग्नोर करके प्लीज वो ब्लॉग देखना और सपोर्ट करना, सपोर्ट की अभी बहुत जरूरत है, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। मैं बार बार बुक में देख रही हूँ कि अभी कुछ बताना बाकी नहीं रह गया है ना आप लोगों को। ठीक है, चलो तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं दूसरे अनदर व्लॉग में। अभी जाना है ऋषिकेश और नया व्लॉग ऋषिकेश से स्टार्ट करना है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अनदर व्लॉग में। महादेव हर, जय माता दी, बाय, जय केदार, और व्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।